राजौरी के गुंदा खवास जंगलों में चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। मारे गए दोनों आतंकियों से भारी तादाद में हथियार गोला बारूद मिला है और अभी भी आप देखिए कैसे इन घने जंगलों में सर्च की जा रही है। कॉर्डन पूरी तरह से लगाया गया है ताकि अगर और आतंकी इन घने जंगलों में मौजूद हों तो चुन चुनकर उन तमाम आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाए। आपको बता दें कि ये जो ऑपरेशन राजौरी जिले में चल रहा है इसमें अभी तक दो आतंकी मारे जा चुके हैं और दोनों आतंकियों से भारी तादाद में हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिला था कि इस इलाके में आतंकी जो हैं उनकी मूवमेंट है वो देखे गए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। आतंकी मारे जा चुके हैं और दोनों आतंकियों से भारी तादाद में हथियार गोला बारूद बरामद हुआ है। दरअसल सुरक्षा बलों को पुख्ता इनपुट मिला था कि इस इलाके में आतंकी जो हैं उनकी मूवमेंट है वो देखे गए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है और ये ऑपरेशन जो है लगातार जब चलता है। दूसरा आतंकी आज मारा गया है और ऐसी आशंका सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक आतंकी और हो सकता है जो इन जंगलों में बने हाइडआउट्स में छिपा हो सकता है और यही कोशिश इन बहादुर जवानों की रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके तमाम आतंकियों को जो है ढेर किया जाए। मकसद इन बहादुर जवानों का यही है कि दुश्मन यानी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, उसी के चलते बड़े पैमाने पर आतंक के खिलाफ महाऑपरेशन राजौरी में चल रहा है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 राजौरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।